सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आप अपने YouTube वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के कैसे लिख सकते हो। जी हाँ गाइस, बिना स्क्रिप्ट के आप वीडियो को कैसे लिख सकते हो। मैं आपको बताऊँ, नॉर्मल से लेके जो प्रो होते हैं यानी प्रोफेशनल, जो बिगिनर भी होते हैं या फिर प्रोफेशनल भी होते हैं, वो लोग भी स्क्रिप्ट को लिखते हैं। तो मैं आज की वीडियो में बताऊँगा किस तरह से आपको अपनी वीडियो को शूट करना है एंड एडिट करना है, और वीडियो में क्या क्या टॉपिक होने वाली है वो चीज़ बिना स्क्रिप्ट के आप कर सकते हो। अब आपको स्क्रिप्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी कि आप किस तरह से एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो, वो भी अच्छे तरीके से अपने कॉपी में या फिर आप अपने स्मार्टफोन में। मैं आपको अपनी सजेशन करूँ, अपनी सजेशन बताऊँ तो आपको स्मार्टफोन का यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अपने फ़ोन में गूगल कीप, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं गूगल कीप का यूज़ करता हूँ, जिसके जरिए मैं अपने जो नोट्स होते हैं यानी कि जो स्क्रिप्ट होती है, मैं अपने गूगल कीप में ही लिखता हूँ। गूगल कीप नोट आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर एंड्रॉयड में डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, मतलब डिफ़ॉल्ट ऐप होता है, उसके जरिए आप लिख सकते हो। और कॉपी में अगर आप लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। अगर आपको डबल फ़ोन है तो आप डिजिटल का यूज़ करें, अगर आपके पास डबल फ़ोन नहीं है तो आप एक कॉपी का यूज़ कर सकते हो, उसमें आप अपने स्क्रिप्ट को लिख सकते हो। तो मैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट एक होता है वीडियो का बेस, कि आप वीडियो में क्या बोलने वाले हो, क्या आपकी वीडियो को टॉपिक होने वाली, कुछ लाइन गलत ना बोला जाए, सब कुछ लाइन सही हो, वीडियो का जो मकसद है, वीडियो में जो आप बताते हो उसका मकसद जो है वो आपके स्क्रिप्ट में ही दिखता है, कि आप स्क्रिप्ट के जरिए सभी चीज़ कर देते हो। लेकिन बिना स्क्रिप्ट के कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक कॉपी लेना है। कॉपी लेने के बाद जो स्क्रिप्ट में क्या होता है कि पूरी चीज़ें लिखनी पड़ती है, कि क्या क्या चीज़ लाइन बोलनी है, क्या क्या चीज़ें बोलनी है। लेकिन मैं अपनी चीज़ बताऊँ तो आपको कुछ नहीं, आपको एक कॉपी लेने बाद, इसमें देखिए मेरा ये स्क्रिप्ट वाला कॉपी है, मैं इसमें नॉर्मली स्क्रिप्ट पूरी नहीं लिखता हूँ, मैं हाईलाइटेड चीज़ जो कि मुझे लगता है कि मैं ये लाइन भूल जाऊंगा, या फिर जिस ऐप के बारे में या फिर जिस चीज़ के बारे में बताना होता है वो लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, तो उस चीज़ को मैं नोट कर लेता हूँ। और हमें 2-3 लाइन के बाद क्या बोलनी है, या फिर जो पहले बोलनी है, या फिर फ्रंट पे क्या बोलनी है, इंट्रो में हमें क्या बोलनी है, वो चीज़ मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। अगर मैं पूरी स्क्रिप्ट नोट करूँ तो बार बार मुझे कॉपी की तरफ देखना पड़ेगा और बार बार मुझे उसे समझना पड़ेगा। तो ऐसे करने में वीडियो का जो क्वालिटी है, मतलब इंप्रेशन जो कि ऑडियंस का है, वो आपका गिर जाएगा, जिसके जरिए आपके वीडियो को ऑडियंस देखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए बहुत से आप यूट्यूबर को देखोगे वो फ्रंट कैमरे के जरिए वीडियो बनाते हैं। अब सोचिए उन लोगों का स्क्रिप्ट कहाँ होता होगा। तो मैं आपको बताऊँ, वो डिजिटल स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और ज़्यादातर वो हाईलाइटेड, जिसको लगता है कि वो भूल जाएंगे, वो चीज़ यूज़ करते हैं। तो यार गाइज, यही है। और भी मैं आपको टिप देना चाहूँगा, तो जो कॉपी है उसके जरिए तो आप कर लेंगे हाईलाइट चीज। और अपने वीडियो में आप ये प्रयास कीजिए कि बिना स्क्रिप्ट के आप 3-4 मिनट, अगर आप स्क्रिप्ट के जरिए करोगे ना तो आप स्क्रिप्ट से 4-5-10 मिनट का बन जाएगा वीडियो, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप अच्छे से समझा नहीं पाओगे अपने ऑडियंस को। अगर आप बिना स्क्रिप्ट के बनाते हो तो उसमें आपका एक भावना होती है, उसके जरिए आप वीडियो को शूट कर सकते हो। इसका और कोई जरिया नहीं, मैं भी जो जरिया अपना फॉलो करता हूँ, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि मैं हाईलाइटेड चीज़ अपने कॉपी में नोट कर लेता हूँ, उसके जरिए मैं अपने वीडियो को शूट करना शुरू कर देता हूँ। और मैं पहले स्क्रिप्ट लिखता था। मैं आपको बता दूँ एक चीज़, नॉर्मल अगर आप बिगनर हो, अभी आपका चैनल खुद 2-1.5 महीना हुआ है, तो आप स्क्रिप्ट का यूज जरूर करें। और अगर आप प्रोफेशनल होते जाते हो, जैसे आप बढ़ते जाते हो, तो आप डिजिटल कीप नोट्स यानी गूगल कीप नोट्स के जरिए यानी कि अपने स्मार्टफोन में नोट करके उसके जरिए आप वीडियो बनाना शुरू करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्क्रिप्ट आप जरूर यूज़ करें, इसके जरिए आपका वीडियो जो लाइन है, वीडियो में जो आप बोलने वाले हो, वो चीज़ गलत नहीं होगा। आप वीडियो के जरिए बहुत चीज़ें सही बोलते जाओगे। अगर आप उसमें मिस्टेक करते हो, अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता, उसका भी वीडियो मैं डालूंगा अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। आपको YT टिप्स यानी कि YouTube पे टिप्स एंड ट्रिक में वीडियो डालता रहता हूँ कि आपको किस तरह से अपने चीज़ों में इंप्रूवमेंट करना है, तो मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है कि आपको बिना स्क्रिप्ट लिखे, अगर आप लिखना चाहते हो कि स्क्रिप्ट किस तरह लिखना है, उसका वीडियो आएगा, इसका मैं टेंशन नहीं है, मैं जल्दी इसका वीडियो डालूंगा, आप कमेंट में बताएं जरूर। लेकिन मैं बताया हूँ जो कि बिना स्क्रिप्ट लिखे आपको वीडियो कैसे बनाना, तो यही टिप है। ज़्यादा टिप आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दिया हाँ लेटेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएगा, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप हमारी उस वीडियो को देख पाएंगे।